Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. Also press the bell icon so that you get notification of every video whenever we upload. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, जो 2017 में पेपर हुआ था स्टेनोग्राफर का, ग्रुप डी और ग्रुप सी की जो है वैकेंसीज के लिए जो पेपर हुआ था। अब जैसे कि वैकेंसी आ चुकी है और हर कोई जो है स्टूडेंट जो है इसके लिए जो है वो अप्लाई भी करेगा और जो है इसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेगा। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए इसका सिलेबस क्या है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कि इसमें एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उनका पैटर्न कैसा है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको जो है प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पर जो है एक्चुअल पेपर जो 2017 में हुआ था वो हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हम सेक्शन ले रहे हैं वो है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। तो जनरल अवेयरनेस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम पहले जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1 होगा, यहाँ पर 51 है पेपर में। विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज द फाइनेंस कमीशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो किस टाइप का इंस्टीट्यूशन है। देखिए फाइनेंस कमीशन जो है हमारे आर्टिकल हमारे आइन में जो है इसका जिक्र है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इंस्टीट्यूशन है। तो जिस चीज का जो है हमारे आइन में जो है वो जिक्र होता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो इंस्टीट्यूशन होता है। तो यहीं पर हम एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फाइनेंस कमीशन जो है ये एस्टेब्लिश जो है किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द 1951। कब किया गया एस्टेब्लिश? 1951 में प्रेसिडेंट के जरिए। और किस आर्टिकल में इसका जिक्र है? इंडियन आर्टिकल, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो आर्टिकल 100-280 में जो है इसका जिक्र किया गया है। सो इट वाज फॉर्मड टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट। अभी जो फाइनेंस कमीशन है तो इसका मेन पर्पस क्या था कि जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो रिलेशन है बाकी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से कैसा रिलेशन है, तो पैसे के मामले में, ठीक है। तो ये जो है वो उसके लिए हमारे पास फाइनेंस कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। और आज जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हम सारे जानते हैं, निर्मला सीतारमन जो है वो आज की फाइनेंस मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 होगा, ये बैंकिंग से रिलेटेड है। In which year was the Reserve Bank of India established under the Reserve Bank Act? तो सबसे पहले जो है RBI Act आता है 1934 में, और उसी के बेसिस पे जो है वो हमारे पास Reserve Bank of India को जो है वो established कर दिया जाता है 1935 में। तो यहीं पर याद रखेंगे Reserve Bank of India जो है उसका काम क्या होता है। Reserve Bank of India जो है वो इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है। क्या? इंडिया का जो है वो सेंट्रल बैंक है, एक सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूट है जो क्या कंट्रोल करता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। तो फिस्कल पॉलिसी नहीं, हमने कहा मॉनेटरी पॉलिसीज को जो है वो कंट्रोल करता है। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम मॉनेटरी पॉलिसी को देखेंगे, क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, ये मेन मेन जो टॉपिक है इन्हीं में से क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जाते हैं। सो इट कॉमेंस इट्स ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपना ऑपरेशन जो है 1 अप्रैल 1935 में जो है वो स्टार्ट किया था। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हम सभी जो है वो जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर जो है ग्रीम्स ला। तो ग्रिशम्स जो ला होता है इकोनॉमिक्स में जो है ग्रिशम्स ला है, ये किससे रिलेट है? तो सबसे पहले ये मैं बता दूं, जो इकोनॉमिक्स में अगर हम ग्रिशम्स ला की बात करेंगे, ये ना ही ये सप्लाई और डिमांड से जो है वो रिलेटेड है, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से, कंजप्शन ऑफ सप्लाई से भी नहीं, ये सर्कुलेशन ऑफ मनी से जो है वो रिलेटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो सर्कुलेशन ऑफ द मनी होगा। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर, व्हाट डज द फर्स्ट स्टेप ऑफ थ्योरी ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिकेट। तो पहला स्टेप पूछा गया है जो थ्योरी ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है ये क्या इंडिकेट करता है। तो बेसिकली ये भी आपका इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला स्टेप जो होता है थ्योरी ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, इसे इसमें हम हाई पॉपुलेशन ग्रोथ पोटेंशियल स्टेज भी कहा जाता है इसे। बेसिकली ये हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट जो होता है इसी को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसमें जो है बर्थ रेट भी हाई होता है और जो है
हमारा डेथ रेट भी जो है वो हाई होता है। तो इसी की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो इसके बाद जो है वो ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाता हैज बीन कॉल्ड द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ पोटेंशियल स्टेज। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई हाई एंड फ्लक्चुएटिंग बर्थ एंड डेथ रेट। तो ज्यादा जो है फ्लक्चुएट करने के बाद अचानक जो है बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो हाई हो जाता है, तो मतलब एक ट्रांजिशन स्टेज आ जाती है विच विल ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो जो हाई बर्थ रेट भी जो है वो हाई हो जाता है, डेथ रेट भी जो है वो भी हाई हो जाता है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को जो है वो क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो यही पूछा गया है, थ्योरी ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो क्या इंडिकेट करता है, वो ये इंडिकेट करता है कि बर्थ रेट जो है वो हाई है, डेथ रेट भी जो है वो भी हाई है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला देख लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू बी द हर्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम सभी जानते होंगे, जिसने भी थोड़ा बहुत अपने आईन के बारे में पढ़ा है, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो आर्टिकल नंबर 32 होता है उसको हम कहते हैं सोल, हर्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो बात कही थी ये किसने कही है, ये कही है बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है वो चेयरमैन भी थे। जब हमारा आईन की जो है तरमीम हो रही थी तो उसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होगा। अब जो आर्टिकल 32 जो है इसे हम क्यों कहते हैं कि ये हर्ट है, दिल है पूरे हमारे आईन का, क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए हमारे जो भी फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 14 से जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तो आर्टिकल जो 12 है 13 है इसमें जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बेसिकली आर्टिकल 14 से लेकर जो है हमारे आर्टिकल 32 तक मान लें, या 30 उसके बाद जो है वो उनका जो है कंक्लूजन है। तो बेसिकली जो है 14 से लेकर आर्टिकल जो भी हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो डिस्कस किए गए हैं, अगर इन फंडामेंटल राइट्स की जो है वायलेशन होती है तो हमारी कंट्री का कोई भी सिटीजन जो होगा वो कोर्ट का रास्ता ले सकता है, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो हाई कोर्ट जा सकता है, और यही आर्टिकल 32 उसको गारंटी देता है कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट यू कैन गो टू द कोर्ट। तो ये कौन कहता है, आर्टिकल 32। तो इसी वजह से कहा गया है कि आर्टिकल 32 जो है वो हर्ट है माना जाता है, सोल मानी जाती है हमारे आईन की। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, जो है वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और जो है कोर्ट जो है उसके जो है वो रिट इशू कर सकता है अंडर द आर्टिकल 32, और जो है अंडर द आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट जो है वो रिट दे सकता है। तो यहाँ पर जो है ये भी आपको याद रखेंगे, यहाँ पर ये तो कॉमन क्वेश्चन है, तो हाँ कि वायलेशन के वक्त जो है कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन ही कोर्ट जा सकता है, हर कोई जिसे लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और मैं कोर्ट जा सकता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो है हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सी जो है वो रिट की टाइप रहती है, और जैसे कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है, तो इसी रिट से भी क्वेश्चन आता है, और अगला क्वेश्चन ही जो है वो इसी रिट से ही पूछा गया है। तो हमारे पास जो रिट्स है उसमें हमारे पास हैबस कॉर्पस रिट आती है, मैंडेमस आती है, ठीक है, सर्टियोर्स ये आती है हमारे पास, फिर एक दो रिट्स है, तो मैं जो आपके नाम पास यहाँ पर नाम लिखे यही हमारे पास जो है वो रिट्स है। तो अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, अंडर विच रिट द कोर्ट सॉट टू प्रोड्यूस द पर्सन इन द कोर्ट सस्पेक्टेड टू बी मिसिंग और इन द कस्टडी। तो ये किस रिट में होगा, ये हमारे पास हेबस कॉर्पस में होता है कि टू हैव द बॉडी, ठीक है। तो ये हमारे पास टू हैव द बॉडी जो है ये हमारे पास हेबस कॉर्पस रिट में बात की जाती है, मेंडेमस में जो है वी कमांड की बात की जाती है, और यहीं पर क्यो वारंटो जो है इसमें जो है बाई वट अथॉरिटी की बात की जाती है, और हमारे पास सेटियोराई जो रिट है इसमें हम बात करते हैं टू बी सर्टिफाइड। तो आपको सी से सर्टिफाइड ही याद रखना होगा। तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो डी है। इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, हैबियस कॉर्पस इज अ रिट रिक्वायरिंग अ पर्सन अंडर अरेस्ट टू बी ब्रॉट बिफोर अ जज और इन द कोर्ट। तो यही मैंने बात की टू हैव द बॉडी, तो वो कोर्ट में जो है उस पर्सन को जो है वो पेश किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम
क्वेश्चन जो है वो 6 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर जो है 57 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियंस सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है, जो आपका यूनाइटेड नेशन है उसी का जो है एक ऑर्गन होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में से भी जो है कोई इसका जो है वो प्रेसिडेंट बना है। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन सर्व एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जस्टिस नगेंद्र सिंह जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। तो इसके अलावा जो है और कोई अभी तक नहीं बना, लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे अभी जो है जज तो हमारे पास जो है अभी वो जो यहाँ पर देवेंद्र भंडारी है वो भी अभी जो है जज है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जज इसमें जस्टिस में, बट जो है प्रेसिडेंट नहीं है। तो इंडिया से जो प्रेसिडेंट बने हैं वो नाम है नगेंद्र सिंह का। क्या नाम है? नगेंद्र सिंह का। और यहीं पर हम बात करेंगे जो पाकिस्तान से जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट बने थे वो थे जफरुल्ला खान, चौधरी जफरुल्ला खान। तो यहाँ पर याद रखें कि ऑप्शन नंबर ए महाराजा श्री नगेंद्र सिंह जो थे वाज एन इंडियन लायर लायर एंड एडमिनिस्ट्रेशन हु सर्व एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम 1985 टू 1985। तो इसके अलावा जो अभी जज थे और दूसरे जज हैं द अदर जजेस फ्रॉम इंडिया ऑन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर बी एन रॉय यहाँ पर थे, आर एस पाठक थे और अभिषेक जो है दलवीर भंडारी जो है वो अभिषेक जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये बेसिकली जो है आपके इंडियन पॉलिटी से ही पूछा गया है, जो यूएन के ऑर्गन होते हैं उन्हीं का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 58, द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपोंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को जो है वो पता भी होना चाहिए। हमारे पास जो है कुछ बेसिक जो है इंपॉर्टेंट केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में ने ने उनकी जजमेंट ही दी है, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिक स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे अभी हमने देखा जो है पार्लियामेंट जो है वो हम अमेंडमेंट लाती है और जो है वो जो है उसमें चेंजेस कर लेती है आइन में, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे वो चेंज नहीं कर सकती। ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जो कि केशवानंदा भारतीय केस में जजमेंट दिया गया था। थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वाज प्रोपोंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंदा भारतीय केस। तो जिसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं बेसिक ही पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पर 59 होगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पास्ड इन 1909। देखिए हम इसके बारे में काफी पढ़ चुके हैं, बल्कि ऐसे क्वेश्चन भी हमने जो है वो डिस्कस किए हैं। द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आए थे 1909 में, पहले ये डेट याद रखेंगे 1909। तो इसमें जो था इलेक्टोरल सिस्टम जो था वो ब्रिटिश जो लेके आए थे कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे टू ब्रिंग वुमेन इन पॉलिटिक्स, ऐसी बात नहीं थी, इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द असेंबली नहीं, प्रिपेयरिंग फॉर कोऑपरेशन इन द वर्ल्ड वॉर ऐसी भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, इम्प्लीमेंटिंग अ सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। तो ये जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में था जो कि 1909 में पास हुए थे। क्वेश्चन नंबर जो है वो 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द सेशन ऑफ अवर पार्लियामेंट। तो हमारे पार्लियामेंट के जो है वो तीन सेशन होते हैं बेसिकली। एक हमारा जो है स्टार्टिंग में हम जो फरवरी से मई तक होता है, मई तक होता है वो बजट सेशन होता है। फिर हमारा जून से अगस्त तक जो होता है वो मॉनसून सेशन होता है। तो हमारा मॉनसून सेशन तो ठीक होगा, फिर हमारा बजट सेशन भी होगा, और विंटर सेशन जो है हमारा नवंबर से दिसंबर जो होता है वो विंटर सेशन चलता है। तो ऑल ऑफ दिस अबो जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पर हिस्ट्री से है, देयर आर 8 टाइप ऑफ मैरिजेस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड।
तो वैदिक पीरियड में आठ टाइप ऑफ मैरिज की जो है वो बात की गई है। विच वन ऑफ देम इज अ लव मैरिज, तो इनमें से जो है किस मैरिज को जो है वो लव मैरिज जो है वो कहा गया है। तो इसमें से ब्राह्मा विवाह को नहीं, देवा विवाह को भी नहीं, तो ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा गंधारवा विवाह जो है, ये इसे जो है लव मैरिज कहा गया है। तो नीचे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गंधारवा विवाह मीन्स वेयर अ मैन एंड अ वुमेन मैरी फॉर लव एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर फैमिली। तो जहां पर जो है फैमिली की रजामंदी, उनकी रजामंदी के बगैर जो है आराम से शादी की जाती है। तो अदर जो मैरिज है एज पर द वैदिक इंक्लूड ब्रह्मा विवाह और जो अर्षा विवाह, बाकी जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं ये भी ऑप्शन है, लेकिन लव मैरिज से रिलेटेड जो है वो गंधारवा विवाह है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है वो हिस्ट्री से ही है और ये बेसिकली जो है वो यूनिवर्सिटी से है। तो हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो ये बेसिकली जो है पल्ला डायनेस्टी में बनी थी, ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई नहीं है। तो पल्ला डायनेस्टी के जो किंग थे धर्मपाला, तो यहाँ पर पीर पल्ला लिखा भी है धर्मपाला, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाय सॉरी, माइक्रोफोन जो है वो निकल गया था, शायद आपको वॉइस नहीं आ रही होगी। तो यहां पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द जर्मन शू, ये शू रहते हैं। तो क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज़ द जर्मन जनरल निकनेम्ड डिजर्ट फॉक्स। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपको ऐसे भी पता होने चाहिए, तो किस जर्मन के जनरल को कहा जाता है डिजर्ट फॉक्स। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो एरविन रोमेल होंगे। तो एरविन रोमेल जो थे, ऑप्शन हमारे पास बी है, हाँ तो बी ऑप्शन जो है जनरल एरविन रोमेल जो थे ये जर्मन के मिलिट्री जो है थ्योरिस्ट भी थे, और इन्हें जो है डिजर्ट फॉक्स कहा जाता है, जो कि नाजी जर्मन के लिए जो है उनके लिए जो है वो लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो एरविन रोमल जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64 है, अंडर विच ट्रीटी ब्रिटिश कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। तो ये काफी बार में है क्वेश्चन जो है वो डिस्कस भी कर चुका हूँ, इवन जो है मॉक टेस्ट में भी दिए गए थे ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अंडर विच ट्रीटी ब्रिटिश जो कंपनी थी गॉट द दीवानी राइट ऑफ द बंगाल बिहार उड़ीसा फ्रॉम द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 64 का करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रीटी ऑफ द अलाहाबाद, जो कि 12 अगस्त 1765 में जो है वो साइन की गई थी मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड के बीच में, ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। तो यहाँ पर 1765 में, और इससे पहले जो है एक वार भी हुई थी बाटला बक्सर हुई थी 1764 में। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ब्लू रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर जो है ब्लू रेवोल्यूशन से पूछा गया है कि कौन जो है ब्लू रेवोल्यूशन से जो है वो क्या चीज जो है वो रिलेटेड है। तो ब्लू रेवोल्यूशन से हम सभी जानते हैं, हमारे पास जो है यहाँ पर ब्लू रेवोल्यूशन से जो होगा वो
जो है वो फिशिंग होगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, ठीक है। तो ब्लू रेवोल्यूशन से जो है वो फिशिंग जो है वो रिलेटेड है। तो हमारे पास जो है ग्रीन रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन है, बहुत से इस टाइप के जो है वो करके रेवोल्यूशन आते हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। बेसिकली ये इकोनॉमिक्स में ही आता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे वहां पर जो हम ये चीजें जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है। तो इसके अलावा कुछ और भी है हमारे पास, आपको ये भी याद रखना चाहिए इंडिगो कल्टी एग्रीकल्चर से कौन सा रिलेटेड है, बाकी इन सारों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ पर ब्लू रेवोल्यूशन के जो फादर भी पूछा जाते हैं कि ब्लू रेवोल्यूशन के फादर जो है वो कौन होंगे, तो ये जो होंगे हमारे पास हर्बल चौधरी जो थे वो जो थे ब्लू रेवोल्यूशन के फादर थे। व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो मिल्क से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे पास होते हैं उनके फादर का पूछा जाता है, वो नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो उनके फादर थे। अगर पूछा जाए इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर तो एम.एस. स्वामीनाथन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। येलो रेवोल्यूशन ऑयलसीड से रिलेटेड होता है, फर्टिलाइजर से ग्रे रेवोल्यूशन जो है वो होता है रिलेटेड, पोटैटो से राउंड रेवोल्यूशन होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे जब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे, यहाँ पर जो है हमने 65 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच कंट्री सेपरेटेड द मैकमोहन लाइन। देखिए मैंने कल ही आपको जो ज्योग्राफी का जो है मॉक टेस्ट लिया था और उसमें मैंने जो है वो एक क्वेश्चन जो है इस टाइप का जो है वो दिया था कि मैकमोहन लाइन जो है वो शायद आपको दिया था या दूसरों को, विच कंट्री सेपरेटेड बाय द मैकमोहन लाइन। तो वो कौन सी कंट्री है जो मैकमोहन लाइन से सेपरेट है। मैकमोहन लाइन जो है वो बॉर्डर किस किस के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। तो शायद आपको नहीं किसी और को दिया था। क्वेश्चन नंबर जो है अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द विंड स्पीड। तो विंड स्पीड को जो है कंट्रोल कौन करता है। हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट है, इंसोलेशन है, रोटेशन ऑफ द अर्थ है, नन ऑफ द अर्थ। तो प्रेशर ग्रेडियंट जो है एक फिजिकल क्वालिटी है डेट डिस्क्राइब इन विच डायरेक्शन एंड एट वट रेट प्रेशर इंक्रीजेज द मोस्ट रैपिडली अराउंड ए पार्टिकुलर रिलेशन। तो यहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है प्रेशर ग्रेडियंट ही होगा। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 68 है। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, इन विच टू लायर ऑफ द अर्थ डज द गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी लाइज। ठीक है, तो अर्थ की जो अर्थ की हमारे पास लायर होती है, जैसे अर्थ क्रस्ट है, इनर कोर है, आउटर कोर है, मेंटल है, इस तरीके से पूछा गया है कि गुटनबर्ग जो डिसकंटिन्यूटी है ये कहाँ पर लाई करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो करेक्ट जो है ये मेंटल और कोर के बीच में होती है, तो मेंटल और कोर के बीच में गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाई करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन जो है 69 है, ब्रेन रिसीव्स एंड सेंड सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ। तो ब्रेन सिग्नल भी रिसीव करता है और उन्हें सेंड भी करता है, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है जो कि आपने साइंस में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, आपने ये चीजें पढ़ी होगी। विटामिन के इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। विटामिन के जो है वो किससे रिलेटेड है, तो विटामिन के बारे में पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा विटामिन के लिए वो ब्लड क्लॉटिंग होगा। हमेशा विटामिन पढ़े भी थे कि कौन सा विटामिन जो है उसका क्या फंक्शन होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। और यहीं पर जो है ये पूछा भी गया है, विटामिन के जो है वो एक एसेंशियल फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। अगला हमारे पास जो है, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम वन पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग चीफली थ्रू। तो हेरिडिटरी करेक्टर जो है वो हम जानते हैं वो जीन से जो है वो ट्रांसफर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, बहुत बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, मॉक टेस्ट में भी दिया था क्वेश्चन। लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग बिकॉज ऑफ देयर, क्यों जो है इन्हें कहा जाता है लाइसोसोम को जो है के सुसाइडल बैग, क्योंकि इनका जो है इनके फैगोसाइटेटिक जो है वो एक्टिविटी की वजह से जो है कहा जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोलिक जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो रिलीज करते हैं जो सेल को जो है वीक कर दे देता है और जो है सेल डेड हो जाता है, बाद में उनसे कहते हैं कि सेल ने जो है वो सुसाइड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास, इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी डज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस सब्सटेंस टेक प्लेस। और जो है बार बार मैंने कहा है कि ये लीवर होता है,
अच्छे से हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन जो है 74 होगा, तो डायफ्राम इज अ मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इट इज फिक्स टू, ये जो है डायफ्राम इज अ मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इट इज फिक्स टू। तो डायफ्राम बेसिकली जो है ये इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से जो है वो रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ओवर सर्विक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 75, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने जो है ये क्वेश्चन भी आपको साउंड के चैप्टर में पढ़ा दिया था कि लाउडनेस और पिच में क्या फर्क होता है, कि लाउडनेस जो है साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है और पिच जो होती है वो किस पे जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा आपका लाउडनेस ऑफ स्पीड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन पे जो है ये डिपेंड करता है, बेसिकली क्या चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड्स है। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, ड्यू टू विच आर द फॉलोइंग रीजन सोप बबल लुक कलरफुल इन वाइट लाइट। तो सोप बबल जो है कलरफुल दिखते हैं व्हाइट लाइट में, इसका जो है वो रीजन हमने मालूम करना है कि वो किस रीजन की वजह से जो है वो दिखते हैं ऐसा। तो ये हमने अपने लाइट के चैप्टर में जो है वो चीजें पढ़ी हुई है, जो है इसका जो मेन है होगा वो इंटरफेरेंस होगा। तो सोप बबल जो होता है वो कलरफुल दिखता है व्हाइट लाइट में, वो किस वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से। तो सोप बबल जो है व्हाइट लाइट में जो है इंटरफेरेंस है कोहेरेंट लाइट वेव्स की वजह से जो है वो ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉमन फ्लोरोसेंट ट्यूब कंटेंट। तो ये भी हमने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया हुआ था फिलामेंट से रिलेटेड, के बल्ब के अंदर जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पर जो है कॉमन फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में पूछा गया है कि इसके अंदर क्या होता है। तो ये बेसिकली जो है इसमें मरकरी ऑप्शन हमारे पास, हाँ ऑप्शन नंबर बी, मरकरी वेपर होता है इसके अंदर, मरकरी जो है वो भरा जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो है वो 78 है। तो व्हेन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो जब कभी कोई भी फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट जो होता है, व्हेन अ फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो अगर ये जो है वो रुक जाता है ग्राउंड पे पहुंचने से पहले, तब इसका क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। बिल्कुल जो है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज तो होगी, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो mgh होती है। तो जब एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है और वो स्टॉप हो जाता है, स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, और ग्राउंड पे आके जो है वो स्टॉप हो जाता है, मतलब यहाँ से आ रहा है और नीचे ग्राउंड पे जो है वो गिर रहा है, तो अब यहाँ पर जो है वो रेस्ट में आ गया, तो मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी या हाइट जो होगी वो जीरो हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी उसकी, और जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्राउंड पे आके जो है वो रेस्ट में, अगर बॉल है तो जैसे चलता रहेगा, मोशन में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं व्हेन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 78 का सी ही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ए डेटा वेयर हाउस इज ऑलवेज, एक डेटा वेयर हाउस जो होगा वो हमेशा जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। क्वेश्चन नंबर 80 है, द टर्म हैकर वाज ओरिजिनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, हैकर जो है वो किससे रिलेटेड होता है। हम जानते हैं जो हैकर जो होते हैं वो कंप्यूटर प्रोफेशनल होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स जो है कंप्यूटर प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है वो सी होगा। तो हैकर जो होते हैं वो वायरस नहीं होते, वो इंसान ही होते हैं, वो प्रोग्रामर ही होते हैं, वो प्रोफेशनल ही होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, 81 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द रीजन फॉर द यूज ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन द फोटोग्राफी। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए जो फोटोग्राफी में हम यूज करते हैं वो कौन सा केमिकल है, तो वो सोडियम थायोसल्फेट का जो है हम यूज करते हैं फोटोग्राफी में। क्यों करते हैं? क्योंकि जो है इसमें जो है एबिलिटी होती है टू फॉर्म द कम्प्लेक्शन, तो इसके पास क्या एबिलिटी होती है कि वो कम्प्लेक्शन बनाए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड बेंजीन। तो इनमें से पूछा गया है, हमारे पास चार ऑप्शन है कि बेंजीन को किसने डिस्कवर किया, जॉन डेल्टन, न्यूटन, प्रेस्टली और माइकल फेरेडे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका माइकल फेरेडे, जो थे इन्होंने जो है बेंजीन को जो है वो डिस्कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन नेम ऑफ फॉस जीन। फॉस जीन का कॉमन नेम क्या होता है, ये क्लोराइड होता है, कार्बोनल क्लोराइड। करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ही होगा, कार्बोनाइल क्लोराइड। तो क्वेश्चन 84 हैवी वाटर इज मेड बाय, हैवी वेटर वाटर जो है वो किससे बनता है। तो हैवी वाटर जो है इसके अंदर जो है बहुत से हैवी वाटर जो मेटल्स जो होते हैं वो जो है वो डिजोल्व होते हैं। तो हैवी वाटर जो है इट इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ए होगा, डिजोल्विंग सॉलिड्स ऑफ हैवी मेटल इन डिस्टिल्ड वाटर। क्वेश्चन जो है 85 है, हु हैड यूज द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो टर्म इकोलॉजी जो थे वो जो हैकल, हैकल यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास सी है, द टर्म इकोलॉजी फर्स्ट यूज्ड बाय, दो इकोलॉजी की जो टर्म पहले यूज की थी वो हैकल ने ही की थी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 क्वेश्चन में पढ़ते हैं, लेड इज द मोस्ट हैजार्डस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल मोबाइल एग्जॉस्ट। बिल्कुल करेक्ट बात है, द टोटल एग्जॉटिक इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू इज ग्रेटर एफिनिटी फॉर होमोग्लोबिन एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। ये भी करेक्ट है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज ऑलवेज कंटेन्स एजून। बिल्कुल है, तो ऑल ऑफ द एबो जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा 86 का। अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फ्लैगशिप स्कीम। क्वेश्चन 87 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उड़ान। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सिविल एविएशन में है, उड़ान जो है उड़े देश का आम नागरिक, जो कि 2016 में जो है ये स्कीम लेके आए थे। क्वेश्चन नंबर 88 है, जिज्ञासा हैज बिन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इट। तो जिज्ञासा से रिलेटेड जो है वो करेक्ट जो है वो क्या है, तो बेसिकली जो है CSIR लैब जो थी इनके कोलोबरेशन के साथ ये लेके आए थे। सो द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द CSIR इन कोलोबरेशन विद केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है वो सी है, दिस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द CSIR इन कोलेबोरेशन विद केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड द मेन फोकस ऑफ द प्रोग्राम इज टू कनेक्ट स्कूल स्टूडेंट एंड द साइंटिस्ट। तो CSIR जो है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, ये हमारी जो लैब्स होती है जो कि फिजिक्स की भी होगी, केमिकल साइंसिस की भी होगी, जिनका मेन पर्पस होता है रिसर्च करना, जो कि नेट करते हैं स्टूडेंट या JRF करते हैं, तो उसको उसके बाद इनको यहाँ पर जो है वो एडमिशन मिल जाती है रिसर्च के लिए। तो बेसिकली जो यहाँ पर जूनियर साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट होते हैं, इनको जो है वो कनेक्ट करने के लिए जो है प्रोग्राम लेके आए थे। तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, कि क्वेश्चन है, द थॉमस अल्वा एडिसन डिस्कवर द इलेक्ट्रिक लैम्प। एडिसन वाज एन, तो एडिसन जो थे वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, हम सभी जानते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है, विच कमेटी हैज रिकमेंडेड चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड द इकोसिस्टम इन द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा लोधा कमेटी। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें जैसे कि सिलेबस में स्पोर्ट्स का टॉपिक दिया होता है, तो इस स्पोर्ट्स से ही जो है क्वेश्चंस है, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो पहला जो है हॉपमैन कप, जो कि टेनिस से रिलेटेड है, फिर हमारे पास जो है अजलान शाह कप है, ये हॉकी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ऊबर कप जो है वो बैडमिंटन में है, तो यहाँ पर जो है चेस से रिलेटेड जो है ये करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तो ये जो सुधीर अमान कप है ये बेसिकली जो है ये बैडमिंटन से ही रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर जो है यही आपका सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ AR रहमान। तो दिलीप कुमार जो है करेक्ट ऑप्शन है।
और अगला क्वेश्चन जो है वो कल्चर से हमारे पास पूछा गया है। क्वेश्चन हमारे पास है, रऊफ डांस जो है इज अ फोक डांस, इट हैज इट्स ओरिजिन इन, हम सभी जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 94 है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द ऑस्कर फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, और वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो भानु अथैया है। तो इन्हें जो है लाइफ टाइम ऑस्कर अवार्ड मिला है इन द फील्ड ऑफ द सिनेमा। अगला को जो है वो हमारे अवार्ड से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट भारत रत्न रेसिपिएंट। तो हम जानते हैं सचिन तेंदुलकर को भी मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिला है, लता मंगेशकर को भी मिला है, और जो है ये हम काफी बार जो है पढ़ चुके हैं, ऑल ऑफ द एबो जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, चब्बर पोर्ट इज डेवलप्ड बाई इंडिया इन, जो चब्बर पोर्ट है वो इंडिया ने कहाँ पर डेवलप कर रही थी, इंडिया, ईरान में। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक जो है, सबसे पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टेरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है। तो जो चाइना जो है वो इसका मेंबर जो है वो नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, द पार्लियामेंट ऑफ द अफगानिस्तान वॉज बिल्ट बाई, तो पार्लियामेंट जो थी अफगानिस्तान की वो किसने बनाई है, जो है वो इंडिया ने। तो अभी जो है इंडिया की पार्लियामेंट जो है जो नई बनी है वो कौन बनाएगा, रतन टाटा जी ने, कॉन्ट्रैक्ट मिला है टाटा ग्रुप को। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो 100 है, नेम द रिवर विच इज अ रीजन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टीस्टा वाटर डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है, हम सभी जानते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन जो है आज जनरल अवेयरनेस के जो है वो कम्प्लीट किए, तो अगले पार्ट में जो है हम रीजनिंग बाकी सेक्शन जो भी इसके पेपर के हैं वो लेके आएंगे। ठीक है, कुछ कर्सर में भी प्रॉब्लम थी और बार बार जो है वो रुक रहा था, तो इसे मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो आपके लिए जो है ये आप पेपर देख सकते हैं कैसा जो है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट पेपर नहीं है, और आपको जो है 30% मिनिमम लाने हैं, और वो आप आराम से ला सकते हैं। जो जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उनमें से ये जीए का पेपर था, जनरल अवेयरनेस, जो जो सिलेबस में मेंशन किया गया है उन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।